हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाइट विल्ला का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ऐसा कीजिए। ऐसा करने के बाद मेनू का एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मेनू स्टफ में जाइए, उसके बाद स्पोनर में जाइए, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। तो दोस्तों, इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको मेनू ट्रेनर की जरूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद ये मेनू स्टफ दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद स्पूनर में जाइए, उसके बाद ऐसे के वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ वाइट विल्ला का XML का फाइल दिख रहा है ना, इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट स्पूनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। उसको ओपन करने के बाद फिर नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ मैनेज सेव्ड फाइल्स दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा वाइट विल्ला XML, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद लोड प्लेसमेंट्स में जाइए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो वाइट विल्ला आ चुका है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।